तो ये डर ना हो कि हे भगवान कुत्ता आ गया आप क्या करें, भागो यहाँ से। What's up guys, welcome back to a brand new vlog. I hope you're all and happy with morning to you all. आज का vlog बड़ा ही late start कर रहे हैं because I was just surfacing through net to just find some videos क्योंकि वो जो कल केस हुआ है और जितनी सारी चीजें हुई है प्रोटेस्ट ये सब हुआ ना हमारी सोसाइटी का। अच्छा हाँ, just to be make you guys update, dog have been catched yesterday only. तो वही मतलब वीडियोस निकालने चक्कर में थोड़ा टाइम लगे तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया vlog डालने में ना। और वैसे भी आज स्कूल नहीं गया तो क्या ही बोले, स्कूल के बारे में क्या ही बोले यार, मन नहीं करा जाने का, पता नहीं क्यों। उठाई नहीं, नींद नहीं खुली, किसी ने उठाया भी नहीं और अपना ही मन नहीं करा जाने। But that doesn't mean कि मेरा काम इनकम्प्लीट है, मेरा काम कंप्लीट है, काम कंप्लीट है। तो हाँ एक तरह से मेरे को लिबर्टी थोड़ी सी मिल सकती है कि हाँ मैंने ये काम कंप्लीट होने के बाद भी। उसके बाद मेरा आज क्लास टीचर को कॉल आ गया, मम्मी पापा को। अब आपके यू गाइस कैन रिलेट टू इट, जब भी स्कूल से किसी टीचर को कॉल आता है अगर या मैसेज आता है नॉर्मल बात करने का एंड आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं तो वो ऐसे ही नहीं पूछते कि तूने कुछ हरकत करी तभी सर का मैसेज या कॉल आया होगा, टीचर का मैसेज या कॉल आया होगा, जबकि आपने कुछ करा नहीं होता। बट वो मतलब टीचर का आउट ऑफ नोवेयर टू टेल समथिंग और टॉपिक शुड बी समथिंग एल्स जिसमें उन्होंने कॉल किया, बट टीचर ने कॉल करा तो इसलिए पेरेंट्स को लगता है कि हमने कुछ करा है एक दिन पहले स्कूल में। इसलिए बताओ मैं सब कहाँ हूँ, कल मैं स्कूल से आया हूँ ठीक है, आज मैं स्कूल नहीं गया हूँ और आज ही सर का मैसेज आया है तो मम्मी पापा को लग रहा है कि मैंने कुछ कल स्कूल में हुआ है मेरे साथ जिसकी वजह से मैं आज स्कूल नहीं गया हूँ, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। मेरा मन नहीं था जाने का इसलिए मैं नहीं गया हूँ। प्लस घर में बहुत हुआ कल रात में ऑलिव के से रिलेटेड, हम ऑलिव को वैसे यहाँ ले आए थे, ऑलिव आज हमारे साथ ही था अभी थोड़ी देर तक, रात से सुबह तक वो नए घर मेरा भी वापस मान जीने चला गया। वही मिट्टी मिट्टी है यार अभी घर में, तो अभी एक बार एडजस्ट होने तो फिर कलेश हुए नॉल जाएगा नहीं, वो कहीं रहेगा यहीं ठीक है, मैं जाने नहीं दूंगा। सब चाहते हैं वो यही रहे, बट पापा को ये है कि पापा चाहते हैं कि वो नहीं, उनको नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों उनको ऐसा क्यों लगता है कि ऑलू बहुत परेशान करेगा, परेशान करता है, हाइजीन नहीं रहेगी नॉल। अब बड़ा घर लेने का मेन मकसद ये भी था, एक तो एमी की एमी बड़ी हो रही इसलिए, दूसरा हमने ऑलिव पेट कर लिया तो ऑलिव के लिए बड़ी जगह हो जाएगी, थोड़ी और ईजी हो जाएगा डॉग को मैनेज करना। बट सबको लगता है कोई कुछ नहीं करेगा ऑलिव का, लेकिन हमने भी करा है काम ठीक है, मैंने और दीदी ने और मम्मी ने भी करा है। उसको नीचे मैं भी लेके गया हूँ कितनी बार, ऑफ कैमरा एंड ऑन कैमरा दोनों, चाहे सुबह हो दिन हो रात हो। रात में तो ऑब्वियसली लेके जाता था और शाम में भी लेके जाता था, बस दिन सुबह सुबह किसी को लेके जाना पड़ता था, कभी कभार मैं भी ले जाता था बट बस पापा को यही उनका था। तो इस चक्कर में बहुत ही कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व हुई, मेरे भी बहुत हुई सब मतलब। और फिर जब मैंने बोला दीदी आप भी कुछ अपना टेक रखिए यार, आप भी तो सबूत दीजिए कि सब मेरा गेंद जा रहा है, आप भी तो बताओ कि मैं घुमाता हूँ इनऑल। ये कहती है चुप रहो ना यार तुम, मतलब भाई को सब डांट रहे हैं इनऑल और कोई स्टैंड ही नहीं ले रहा था उस समय मेरा, तो इसलिए मैंने खुद का स्टैंड लिया। अब मैं यहाँ गलत भी साउंड कर रहा हूँ बट अगर आप हीट ऑफ द मूवमेंट में होते तो आप समझ पाते ये सब हुआ है एंड कौन सही उस जगह और कौन गलत है। ऑल्दो इट्स अ फैमिली थिंग, आई थॉट आई शुड ब्रिंग आउट दिस मैटर बिकॉज यार नहीं यार मतलब ऑल्दो जान है अपनी तो उसको दूर क्यों रखना है यार, क्यों अगेंस्ट आ रहे हैं पापा। मैं तो इसका 5% भी नहीं उठा रहा हूँ जो कल हुआ है, कल तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल हुआ, मैं तो बस ब्रीफ कर रहा हूँ कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ। थिंग्स कैन गेट वेरी टॉक्सिक समटाइम्स, वेरी टॉक्सिक, आई स्वेयर टू गॉड। एंड व्हेन एवरीवन एट योर होम ब्लेम्स थिंग्स ऑन यू ना डायरेक्टली और indirectly it affects your mental health or किसी की नहीं your mental health. And while being a teenager, while being the eldest son in the family right now, I get blamed for every single thing even if I haven't done it, so it affects me. यार मैंने ऐसा किया नहीं बट तब भी मेरे में मैं इतना बुरा हूँ कि मेरे से मतलब मेरे पे ब्लेम आता है, बट स्टिल आई पास इट विद अ स्माइल कि नहीं यार कोई बात नहीं, कितनी बार वो भी करूँ। इतनी देर से अपने रूम में बस चिल कर रहे थे, एक रील का आइडिया सोच रहे थे, वो आया तो हमने शूट करा, मतलब साउंड भी सर्च हो रही थी और थोड़ा सा कॉन्टेक्ट ढूंढ रहे थे जब साउंड मिल गई कि उसपे क्या बनाना है, बन गई फाइनली। कुछ नहीं, घर पे जब रुकते हैं छुट्टी लेते तो पता नहीं कुछ करने को होता ही नहीं है। अभी तो चलो शिफ्टिंग चल रही तो कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा था, कुछ करने को ही नहीं है, बस घर में घूमते जाओ। रिचुअल को कामयाब रखते हुए हम जाते हैं एक छोटी सी राइड के लिए आसपास ही क्योंकि बोर हो रहा है अपने को। हाँ पागल हो गया बस अरे बस यार हाँ ऑलू काट रहा है, ऑलू रुक जा काट लिया अरे अरे दांत मार दिया इसने, चुप गया मेरे को एकदम से। कोई नहीं आजा, तब भी आजा पगलू इतना प्यार करता है मेरे से। और छोटा सा राउंड काटा बेसमेंट में और फिर ऑलू से मिलने आ गए, खुश जाता है एकदम से देख के, दांत गाड़ दिया लेकिन उसने उंगली में। कोई ना, अब घर निकलते फटाफट। गोलू मेरे से कल से नहीं मिला तू, कल सो गया। वही तो, कल सो गए थे। हकी तो दे दो। ओए पटाखा फट गया। कैसा था आज का स्कूल? अच्छा था। मैं अपनी जैकेट भूल के आ गया। जैकेट भूल के आ गया? शाबाश, अब कल नहीं मिलेगी। मिल जाएगी। कैसे? क्योंकि हमारे रूम से कोई भी नहीं लेकर जाता। आपको कैसे पता? या मेरी फ्रेंड का भी होगा। मैंने एक सैलेड बनाया आज। अच्छा हाँ, आपके तो सैलेड कॉम्पिटिशन था ना? कॉम्पिटिशन में फायरलेस कुकिंग। अच्छा तो फिर क्या क्या सैलेड ही बनाया? तो मतलब अब से आप हमारे लिए खाना बना सकती हो। लाइयो बचा के। हाँ। लाइयो। हाँ। ये भैया खाएंगे। थैंक यू। वेलकम। इसमें पुदीना भी है। पुदीना कौन डालता है भाई? हमारी माम ने कहा, लेकिन वो मैंने चिपका दिया। वाह, चिपका दिया। ये बच्चे दिख रहे नीचे। तो अभी सीन ये हुआ है, ये बच्चों ने पटाखा फोड़ा, जहाँ तक मेरे को लग रहा है क्योंकि इनके हाथ में मेरे को बम दिख रहा है और इतनी तेज का धमाका हुआ। ठीक है, पूरे शीशे का पे 17वीं मंजिल तक। नीचे पता नहीं क्या नाजी बम फोड़ा, क्या फोड़ा। मेरे को लग रहा है बम की सुर्री काट रहा है, लाल वाला वो टाइमर लगाने के लिए। छोटे होते थे हम यही करते थे ना, वो टाइमर के लिए क्या बोलते हैं, बम की सुर्री काटते थे। ये लगा रहा है, आग लगा रहा है, आग लगा रहा है, आग लगा रहा है, आग लगा रहा है। ये देखो, पकड़ूंगा इसको मैं, पकड़ूंगा। रुको, फोड़ क्यों नहीं रहा भाई? हंस बाद में लियो, फोड़ ले यार। आग ही नहीं लगाई जा रही यार इससे। बताओ टिंगू से। अब लगाएगा, अब लगाएगा। अरे वीडियो बना रहा है क्या भाई? मैं ऊपर से तेरी वीडियो बना रहा हूँ, एकदम टॉप व्यू, ड्रोन शॉट तेरे लिए सस्ता। हाँ, लगा रहा है, आग लगा रहा है, अब लगा रहा है, अब भागेगा, भागा। लग गई, आग लग गई, आग लग गई। फटा बहुत जोर का। ए हट यार, ये क्या फुड्डू था। एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी। भाई ने अभी इतना तगड़ा बम फोड़ा, एक और बार फोड़े, मजा आएगा। देखो, सुनने में तो सारे डॉग्स तो पकड़े गए हैं, लेकिन ये अभी भी नेट लेके घूम रहे हो। ढोल वाले भैया भी आ रखे हैं। मतलब पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए हैं। यहाँ से मतलब हर किसी पे नजर रख सकते हो। एकदम मोहल्ले की वो आंटी वाली वाइब आ रही है। यहाँ इधर का उधर जो करते हैं वो नजर रखते रहो। बिना नहाए भी ऐसे कैसे दिखेगी हम नहाए हुए हैं। लाइव एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। बाल चलो थोड़े से भी हिल गए, वरना ऐसा ही लग रहा था कि भाई साहब जस्ट ये बंदा नहा के आया। अभी पूरा एकदम सेट सूट, कपड़े एकदम साफ चकाचक। स्कूटी आज तक चलिए, मैंने पिछले एक महीने से इसको यही पड़े देखा ना, ये चलिए। और इतनी बाहर लगा के गए हुए ना कि अंदर घुसने में इतनी दिक्कत होती है। कि यार साइरस बाबू को ये स्क्रैच जो देख रहे हो, ये लग गया है। ये तो चलो हट जाएगा, मतलब पॉलिश वॉलिश करा के, बट सेंस ही नहीं है भाई। पूरी बाहर, मतलब बाइक पार्किंग में बाहर बाहर लगा देता है सबके सब। जिसको लगाने वो कहाँ लगाए फिर बाद में यार। अभी अभी आंटी के यहाँ भी जाऊंगा ना, वहाँ भी बाइक पार्किंग अभी आपको दिखाता हूँ। मतलब अंदर इतनी जगह छोड़ के क्या फायदा। देखो सबने बाहर लगा रखी है, अंदर इतनी सारी जगह छोड़ दी है। और ये नहीं कि अंदर के लिए लगाने के लिए जगह छोड़ दे, सबने भर रखी है, भंडारा ही लगा दिया है। और ये अगर कम नहीं तो मैं आगे एक और दिखाता हूँ। ये तो पूरा देखते हुए चलो, कहाँ से जगह देख अंदर घुसाने, कहीं नहीं है, एक के ऊपर और अंदर इतनी जगह। और यहाँ तो और भी कम नहीं है, तो बाइक वाइक भी लोगों ने, मतलब साइकिल वाइकिल भी लोगों ने घुसा रखी है। बताओ, लगाए तो लगाएगा इंसान अंदर इतनी जगह, जो उसका क्या करूँ मैं। तू तो मेरी चप्पल न बांधने पड़े। ट्रेडमिल चाहिए होगा? हाँ हाँ, तू नहीं चलाया था ना ट्रेडमिल? तेरा वाला ही ट्रेडमिल चला था जिसपे तू चलता है, वो कोने वाला ना। हाँ, तूने कुछ करा होगा। मैंने कुछ नहीं किया है। तूने कुछ करा, तेरा वेट नहीं सह पाई मशीन। चलो भाई, 10 मिनट ट्यूशन अच्छे से हो गई है। अभी जरा जाता है डमस से मिलने, फिर 9 बजे सोसाइटी में कैंडल मार्च भी है, वो किड के लिए, उनके लिए कैंडल मार्च भी है। सो विल डू दैट। और क्या भाई, बड़ा लेकिन सैड है यार। टाइम भी लगे और चक्कर डराते हैं थोड़ा सा। पता नहीं कहा है। मार रहा है चाची, मार रहा है। अरे मत, ये ब्लॉग में हो रहा सब। यही गाना ढूंढ के मार दूंगा तेरे को। अगली बार से ऊपर आके डराऊंगा। अगली बार चेक करेगा कि कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। सक्सेसफुल हो गए वाला, लेकिन बड़ी गलत जगह मार दी भाई जी ने। कोई ना, बदला लिया जाएगा। वेट एंड वॉच। मारने की तो बात नहीं होती भाई, तुम डराने का बदला डराने से लो। ये बार हो रहा था यार, तू और डरा दे। वो इस हमारे कैंडल मार्च में सारे इकट्ठे हुए हैं आज। ये पीसफुली एक्ट आज किया जा रहा है, और उस छोटे से सोल की पीस के लिए, उसकी फैमिली की पीस के लिए, ये हमने एक छोटा सा ट्रिब्यूट दे रहे हैं। मीडिया भी आ गई भाई कवर करने, और सब लगे जा रहे बैक टू बैक लाइन में मीडिया के लिए। ये नहीं जो मूवमेंट के लिए है उसके लिए नहीं। मेरे को तो भाई ये बोलने में भी दिक्कत नहीं है कि हाँ, मतलब आधे से ज़्यादा लोग अभी जो मीडिया आई है उसके चक्कर में एकदम से पास गैदर होने लग गए हैं कि भाई वो रियलिटी दिख रही है एकदम से। लोगों के चेहरों पे स्माइल दिख रही है भाई, ये मीडिया जैसी है। मेरे को तो आंटी ने बोला कि मतलब ब्लॉग में इसलिए ले ले क्योंकि लोगों को अवेयर करना है नॉल, तभी मैं ले रहा हूँ, वरना मैं ये नहीं शो करता। मेरे को तो बोला है, घर पर भी बोला कि यार प्लीज़ वे स्टॉप करो, तभी मैं कर रहा हूँ। सी दे जस्ट गाइडिंग मीडिया वाले कि हाँ ये करो वो करो। मीडिया भी अलग ही सिंपैथी कार्ड खेलवा दिया भाई लोगों से, माँ कसम। उसमें रह सके, माहौल में रह सके, जहाँ किसी को ये डर ना हो कि हे भगवान कुत्ता आ गया, आप क्या करें, भागो यहाँ से। अब आप भागेंगे तो भी कुत्ता आपके पीछे पड़ेगा, आप खड़े तो भी आपको डर लगेगा कहीं काट ना ले। तो हमारी इस मुहिम को प्लीज़ हमारा साथ दें। यूपी गवर्नमेंट, नोएडा अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ हमारा साथ दें, हमारी इस मुहिम को प्लीज़ पूरा करें। और इस बच्चे के साथ जो हुआ है, सब कैंडल्स वहाँ पे सारी कैंडल्स लगाई हुई है, प्लीज आप लगा दीजिए। ये सारा मुद्दा नोएडा की सीईओ रितु महेश्वरी सुलझा सकती है। हमें एक होना पड़ेगा, रितु महेश्वरी को मजबूर करते हैं हम लोग मिलके, उसके हाथ में सब कुछ है, वो जो चाहे वो कर सकती है। हम अपने चिल कॉर्नर में बैठे हैं, यहाँ से व्यू एंजॉय कर रहे हैं, सामने बिल्डिंग की लाइटिंग देख रहे हैं। आज जो हुआ बहुत, मतलब जिस इंसिडेंट के ऊपर हुआ, बहुत ही बुरा था। मेरे को बोला गया, दैट्स व्हाई आई कवर्ड, एंड मेरी एक ड्यूटी भी बनती है कि आई शुड शो दैट जस्टिस शुड बी सर्व्ड, क्योंकि अभी तक जहाँ तक सुनने में कोई एक्शन ज़्यादा लिया नहीं गया, एफआईआर कुछ रजिस्टर नहीं हुई है। एंड पीपल आर ऑल्सो अगेंस्ट कि हाँ बच्ची ने प्रवोक किया होगा, 7 महीने की बच्ची क्या प्रवोक करेगी यार। हाउ इनसेंसिटिव पीपल कैन बी, मैन आई एम सो सरप्राइज्ड टू सी दैट। नेवर माइंड, आज का लोग यार हेयर अप कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टुडेस व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाना, अगर मन करे तो। दिस वी बॉय K1 साइनिंग ऑफ, इन कल का व्लॉग आज देख लेना। बाय कर स्कूल बहुत ज्यादा लॉक कर दो, डन ना ग्रेट। एंड लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भी चलेगा, मेरी एक ड्यूटी थी शेयर करना, तो इसलिए हम शांति से कार पार्किंग में लगाएंगे क्योंकि जगह नहीं है।